नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली पश्चिम में अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा 51वां कुंडीय श्रद्धा संवर्धन गायत्री महायज्ञ संस्करण समारोह व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले 1551 कलशों की विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय हजारों महिलाएं और बहनें शामिल हुई थी। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक और मुख्य अतिथि रही भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री रितु सिंह। रितु सिंह ने भी अपने आप को गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ माना और इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। 19, 20, 21 और 22 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में यूपी, महाराष्ट्र और मुंबई के कई दिग्गज कलाकार और बड़े नेता भी सम्मिलित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही फिल्म अभिनेत्री रितु सिंह और कार्यक्रम के आयोजकों ने क्या कुछ कहा। पेश है हमारे संवाददाता महादेव गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, गायत्री परिवार हरिद्वार से शांति कुंज से चलता है। आज ये 4 साल के बाद मुंबई के अंदर फिर से हम सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन जागृति गायत्री माँ ट्रस्ट के तरफ से ये 51 कुंडी का महायज्ञ का आज यहाँ पे आयोजन का आज शुरुआत हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1551 महिलाओं का विशाल कलश यात्रा का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसकी अभी शुरुआत हो रही है। अभी कलश पूजन हुआ, कल फिर वो यहाँ पे यज्ञ शुरुआत हो रही है। 4 दिन का हमारा कार्यक्रम है ये पूरा। शांति कुंज से जो हरिद्वार से जो यहाँ पे टोली चल के आई हुई है, आप देखते हैं कि सबसे पहले जो गायत्री मंत्र है, आज पूरे संसार के अंदर गायत्री मंत्र के आगे कोई मंत्र नहीं है। उसी मंत्र को लेकर उसका महायज्ञ करने के लिए ये गायत्री परिवार के सभी हम सहयोगियों को, आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभेच्छा देते हैं। मैंने सुना कि ये बहन भी हमसे जुड़ी हुई है, गायत्री परिवार से बहुत खुशी हुई है। और देखिए, ये भोजपुरी फिल्म में मैं गायत्री माँ से प्रार्थना करूँगा कि ये दिन दुना रात चौगुना प्रोग्रेस करें। इनकी बहुत फिल्में आई है, हम लोग ने भी देखा है और भी इनको अच्छे फिल्म मिली। और इतना भी इनकी बहनें यहाँ इतनी बड़ी संख्या में इनको देखने के लिए भी आई है। और मैं उनसे भी अपील करूँगा कि इनके आने वाली जो भी पिक्चरें हैं वो सुपर हिट हो और देखें। हम सभी को गायत्री माँ की तरफ से यही हार्दिक शुभेच्छा है। क्या कहना चाहेंगे गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम में आकर, आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहती हूँ, खासकर अपने गायत्री यज्ञ से जुड़े हुए सभी माताओं बहनों को दिल से पैर छू के प्रणाम करना चाहूँगी। मैं इसकी महत्ता जानती हूँ क्योंकि मैं भी इस परिवार से जुड़ी हुई हूँ। और गायत्री मंत्र इसका जो यहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अपने घर में अभी यूपी बिहार में तो रहता ही है, लेकिन महाराष्ट्र में भी इतनी बड़ी बात है कि इतनी अवेयरनेस है कि अभी गायत्री मंत्र और महायज्ञ का 4 दिन का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही धन्यवाद है। बहुत ही मैं धन्य हो गई देख के, इतनी खूबसूरत सी यहाँ पे खूबसूरत सा पंडाल लगा हुआ है। सबको धन्यवाद है, जो जो पिलर्स हैं इसको, जो संयोजक हैं उनको दिल से धन्यवाद। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे पूरी इंडस्ट्री में से इन लोगों ने मुझे चुना और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन के कार्यक्रम में आपको न्योता भी दे रहे आने के लिए, तो क्या? मैं न्योता हो चुका है मेरा। मैं 4 दिन कोशिश करूंगी कि मैं आऊँ और यज्ञ भी मैं करूँ आप लोग के साथ। ये बहुत मेरे लिए सौभाग्य होगा।
मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। गायत्री परिवार का कार्यक्रम में माँ बहनों ने बहुत अच्छे ढंग से हिस्सा लिया है और सबसे की बात है कि हमारे बीच में रितु सिंह जी जो हमारी भोजपुरी की हीरोइन है वो भी आज हमारी बहनों के बीच में आकर के उन्होंने भी हिस्सा लिया है, अपने समाज की अपनी जो संस्कृति है उसके साथ उन्होंने दिया है। हम लोग बहुत आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारा समाज हमारा परिवार इस तरह से जो हमारी संस्कृति है जो हमारी धरोहर है उसके साथ रहे, ये हमारी संकल्पना और सब साथ में। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा जो विश्व के 80 देशों में गायत्री परिवार है वो गायत्री परिवार कांदीवली की तरफ से यहाँ पर हमने 51 कुंडी श्रद्धा संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया है जिसका पहला दिन है और उसकी कलश यात्रा है जिसमें 1551 बहनों ने कलश लिया हुआ है और ये कलश लेकर पूरे कांदीवली वेस्ट में वो लगभग 1.5 किलोमीटर का यात्रा करेंगी। उसके बाद यहाँ पर पंडाल पर वो फिर आएंगी और कलश की आरती होगी। उसके बाद हमारे विशेष अतिथि जो कांदीवली से शांति कुंज हरिद्वार से कांदीवली आए हुए हैं उनके द्वारा यहाँ पर नारी जागरण के ऊपर विशेष उद्बोधन होगा और उसके बाद जो यहाँ की बच्चियाँ हैं प्रज्ञा मंडल की जो टोली है कन्या टोली की बच्चियाँ हैं वो अपना नाटिकाएँ प्रस्तुत करने वाली हैं जो कन्या भ्रूण के ऊपर है और दहेज प्रथा के ऊपर नाटिकाएँ हैं। तो इस तरह से हमारा आज का ये पहला दिन का कार्यक्रम है। हमने ये 3 दिन अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक तीनों तरह को समन्वय करके हमने ये प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है। हमें बड़ी खुशी हुई कि रितु सिंह जी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं। मैं माँ गायत्री से अनुरोध करूँगा कि प्रार्थना करूँगा कि इनको लंबी से लंबी ऊँचाई दें और इन्होंने अपना समय निकाला तो हम उनका आभार प्रस्तुत कर रहे हैं कांदीवली की तरफ से कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस नारी शक्ति के बीच में अपना उद्बोधन भी दिया और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि गायत्री परिवार के बारे में वो जानती हैं। आज इंडस्ट्रीज से जुड़े होने के बाद भी उन्होंने गायत्री माता का ध्यान है गुरुदेव का ध्यान है तो गुरुदेव आने वाले दिनों में इनको जरूर ऊँचा से ऊँचाई पर पहुँचाएंगे। ट्रस्ट का लगभग 5वां कार्यक्रम है और इसी तरह से बढ़कर एक कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इसके पहले 4 साल पहले भी जो हमारा कार्यक्रम था उसमें ही 900 महिलाओं का कलश यात्रा और विशाल कार्यक्रम हुआ था और इस बार हम लोगों ने प्रयास करके उससे बड़ा कार्यक्रम किया है और मैं विशेष करके हमारी जो महिलाएँ हैं हमारी हिंदू संस्कृति को जीवित रखती हैं महिलाएँ हमारी एक अभिनेत्री जी आई हैं भोजपुरी की अभिनेत्री हैं रितु सिंह जी, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि हमारे महिलाओं के उत्साहवर्धन के लिए आई हैं। भगवान इनको दिन दूना रात चौगुना बढ़ाएं और हम लोग भी गायत्री माता हम लोगों की इतनी ताकत दें कि हम लोग इसके बाद 2100 महिलाओं का कलश यात्रा निकालते हुए इससे भव्य प्रोग्राम करें, ये माता जी से प्रार्थना करता हूँ। जय। फिल्म क्राइम राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।